Good afternoon, good afternoon, sir. आज तो संडे है, संडे को वैसे बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आजकल क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रेन भी हो रही है, घर में ही बड़ा मजा आ रहा है। व्हीकल्स नहीं चल रहे, पॉल्यूशन कम है। हाँ व्हीकल्स कम है मतलब बाहर हाँ चल रहे हैं कम, तो पॉल्यूशन कम है। हाँ सही बात है, पॉल्यूशन भी कम है और ठीक लग रहा है, काफी ठीक है, ये भी एक लाइफ है। इसमें मुझे तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा और नहीं लगता है, बस वही है कि थोड़ा सा इंटरेक्शन कम है लोगों से, और हम बिजी भी रहते हैं, टीचर्स को बहुत बिजी रहते हैं, है ना। आप ये सोच रहे हो सिर्फ आप ही डाउट थोड़ी पूछते हो, आपके डाउट्स आते हैं, 12th क्लास वाले डाउट पूछते हैं, जो इस साल अभी जेई देंगे अभी 5th सितंबर को वो पूछते हैं, है ना। तो मतलब काफी एंगेजमेंट रहती है, कई बार जैसे आपको क्वेश्चन पूछते हो मैं तुरंत आंसर नहीं दे पाता हूँ, कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ, है ना, कई सारी चीजें चलती रहती है। मुझे तो खैर टाइम का उतना पता नहीं चलता, आई नेवर गेट फील की कोई बोर हो रहा हूँ, मुझे लगा ही नहीं इनफैक्ट पूरे 4 महीने में मुझे कोई बोरियत फील हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा कहीं जाने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप भी थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो बढ़िया से, है ना। मेरी क्लास में तो लोग ये बोलते हैं कि बस क्लास में बैठ जाओ, आप रेगुलरली क्लास में बैठो, अपने आप चीजें आपको आती है, है ना। रेगुलरली मेरी क्लास आप अटेंड कर लो तो आपको चीजें अपने आप ही आ जाती है ना। तो ये होता है, बस रेगुलरिटी बड़ी इम्पोर्टेंट है, बीच में करेक्शन मिस नहीं होना चाहिए, बस रेगुलर बैठो। कुछ नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से नहीं, अरे यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने की कोई रेस थोड़ी चल रही है, मेन चीज है आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी तो कभी भी हम क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने मुश्किल होती है लेकिन धीरे धीरे वो हो जाता है। मेन चीज है कि कंसेप्ट गेन करना है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल की स्पीड तो कभी भी आ जाती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्पीड उतनी बढ़ जाती है, आप गेन कर लेते हो। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द पुली कंस्ट्रेंट, तो पुली कंस्ट्रेंट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें इनफाइनाइट आउटपुट मशीन यूज हो रही थी, है ना, कि आपने क्या यूज किया था, बेसिकली आपकी एक इनफाइनाइट आउटपुट मशीन, है ना। तो हाँ सही बात, सही बात है, सही बोला आपने, जो सही बोल रही है आयशा की प्रैक्टिस शीट जो है ना वो अच्छी है, वो बुक का ही होता है, मुझे अच्छी बुक बाई चांस इसी साल मिली है, और फॉर्चुनेट इसके पहले मेरे पास लास्ट ईयर वो बुक नहीं थी, है ना। मैं चाहूँ तो आपको रिकमेंड कर दूंगा लेकिन वही है कि आपको रिकमेंड करने का फायदा नहीं होगा क्योंकि थ्योरी तो हर जगह पर सेम ही रहती है, वो एक्चुअली कई वॉल्यूम में बुक है, उसे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, पूरा पॉइंट उसको अगर एक बार आप कर लो ना प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन जो 150 160 होते हैं तो अपने आप सब चीजें आती है, सारी वैरायटी के क्वेश्चन हैं, है ना, जितनी वैरायटी होती है सारे वैरायटी के क्वेश्चन का असेंबल, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है ना। तो वो मैं आपको प्रैक्टिस शीट हर चैप्टर की देते रहा, वो आप करते रहें, लेकिन वही चीज है कि उसको तभी करना आप जब आप मॉड्यूल और एनसीईआरटी कर लो, है ना, कि मॉड्यूल और एनसीईआरटी करने के बाद फिर प्रैक्टिस शीट पे आओ। मॉड्यूल में भी आप पहले ऑब्जेक्टिव कर लो, सब्जेक्टिव में अगर टाइम लगता है तो, है ना, कि मॉड्यूल में अगर सब्जेक्टिव में आपको लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है तो कंप्लीट फर्स्ट टॉपिक, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी कर लो, फिर एनसीईआरटी के बाद प्रैक्टिस शीट कर लो, फिर उसके बाद रिवर्स में जाके मॉड्यूल के सब्जेक्टिव सॉल्व कर लो, क्योंकि सब्जेक्टिव एक्सरसाइज थोड़ी सी मॉड्यूल की लैंड भी अच्छी है, बहुत ही उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है सॉल्व करने, और कई बार नहीं होता है सॉल्व तो गुस्सा भी आता है ना, तो फिर डिमोटिवेट हो जाता है, तो इससे अच्छा पहले वो करते हैं जो आपको आ रहा होता है, ऑब्जेक्टिव कर लिया, फिर एनसीईआरटी कर लिया, प्रैक्टिस शीट कर लिया, लास्ट में जाके मॉड्यूल के सब्जेक्टिव पे, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो वो कर लें, तो ये थोड़ा सा आप स्ट्रेटेजीज यूज कर लें, और क्लास रेगुलरली करो, अपने आप चीजें आती हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, That was the infinite output machine. Yeah, कि मैंने एक आपको homework question दिया था infinite output machine. Yeah, कि भाई infinite output machine का question ये आता था, उसको पहले explain कर लेते हैं, नहीं तो ये छूट जाता है question. बाद में हमारे पास time नहीं रहता, फिर हम कर नहीं पाते. यहाँ पे एक पुली थी,
इससे एक बॉल हैंग थी, इससे एक और पुली लगी हुई है, इससे भी एक सेम मास की बॉल, इससे एक और पुली लगी हुई है सेम मास की बॉल, और ऐसी जो चीज है ना ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ये चीज कंटिन्यू हो रही है कहां तक, इनफाइनाइट। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं सिंपली आपकी इनफाइनाइट एटवुड मशीन। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफाइनाइट एटवुड मशीन। तो इस इनफाइनाइट एटवुड मशीन में आपसे जस्ट ये पूछा गया था कि जो टॉप मास है उसका एक्सटेंशन क्या, सबकी वैल्यू एम थी, एम एम एम, जो टॉप मास है उसका एक्सटेंशन ए कितना ऊपर का, तो देखो उसको सॉल्व करने का जो मेथड है ना ये मेरा मेथड नहीं है, ये किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था फ्यू इयर्स बैक, है ना। वो स्टूडेंट मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस है आईआईटी बीएचयू में पढ़ता है, उससे बड़ा अच्छा मेथड बताया इसको सॉल्व करने का, ये बार स्टूडेंट बहुत अच्छा मेथड होता, कई बार मैं ग्रुप में अप्रिशिएट भी करता हूँ, मुझे अगर अच्छा मेथड लगता है तो आई अप्रिशिएट, आप भी कुछ बताओगे तो मैं अप्रिशिएट, फिर कई बार स्टूडेंट बहुत अच्छा सोचते हैं, वो उसने बड़ा अच्छा मेथड बताया था, इसका सोल्यूशन अगर आप देखोगे ना कई जगहों पे तो बड़ा अजीब सा दिया होता है, समझ में नहीं आता, उसने एकदम बेसिक्स के साथ बताया था, उसने जस्ट ये क्या किया कि एज्यूम कर लिया कि इसका एक्सटेंशन ए वन है, इसका एक्सटेंशन उसने एज्यूम कर लिया ए टू, और इस ब्लॉक का एक्सटेंशन एज्यूम कर लिया ए थ्री, एंड सो ए थ्री ए फोर ए फाइव होता जाए, और उसने टी एज्यूम कर लिया, भाई ये अगर टी टी है तो यहाँ पर टी बाई टू हो जाएगा, टी बाई टू टी हो जाएगा, तो अगर ये टी टी है तो यहाँ भी ऐसे टी बाई टू हो जाएगा, टी बाई फोर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा टी बाई फोर, तो उसने कुछ एक्सटेंशन ए वन ए टू ए थ्री एज्यूम किया, और टी टी है तो टी बाई टू हो गया, टी बाई टू तो टी बाई फोर, टी बाई फोर हो गया, हम कंटिन्यूसली हम करते हैं। इसके बाद उसने जस्ट इसका इसकी इक्वेशन लिखी, भाई सारे जो ब्लॉक है इसका मास अगर एम है तो ऊपर तो टी लग रहा है नीचे एम जी लग रहा है, तो जो इसकी इक्वेशन होगी हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी जो इक्वेशन होगी नेट फोर्स इज इक्वल टू एमएस ए, ये आपका हो जाएगा टी माइनस एम जी इक्वल टू एम, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे सेकंड इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगा टी बाई टू माइनस एम जी इक्वल टू एम ए टू, इक्वेशन नंबर टू। इसके बाद आपका हो जाएगा टी बाई फोर माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम ए थ्री, एंड सो ऑन, है ना, ये आगे कंटिन्यू होगा ऐसे कि जस्ट नेट फोर्स इज इक्वल टू एम एस ए, इस तरह से इक्वेशन सबके लिख दिया, तीन ही मैं लिख रहा हूँ आगे भी लिख सकता हूँ चाहो, और ऐसा इनफाइनाइट तक लिखते हैं। तो ये सेट ऑफ कुछ इक्वेशंस आ, उसके बाद ये इसमें लिखते हैं, इसमें वी कैन टॉक अबाउट द कंस्ट्रेंट सॉल्यूशन, ये हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें कंस्ट्रेंट क्या होगा, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट सॉल्यूशन, कि भाई जो ए वन ए टू ए थ्री में रिलेशन है वो क्या हो जाएगा। सिंपल चीज आप देखो कि सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, मैं लिख सकता हूं टी इंटू ए वन, वी वन लिखते हैं डिफरेंशिएट करके ए वन हो जाएगा, टी भी ऊपर है ए वन भी ऊपर है, बस दूसरे का आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा वैसे कि आपका टी बाई टू इंटू ए टू, तीसरे का आ जाएगा प्लस टी बाई फोर इंटू ए थ्री, और ऐसा इनफाइनाइट कंस्ट्रेंट का मतलब मैं ये लिख रहा हूँ सिग्मा टी डॉट वाई का सम क्या होगा वैसे कि आपका जीरो, की जगह मैंने ए ले लिया क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आ जाए क्योंकि आपको एक्सटेंशन के बीच में रिलेशन चाहिए, और इनफाइनाइट तक इसका सम करेंगे तो जीरो होना चाहिए, अब आप नहीं तो पढ़ा सबको मल्टीप्लाई कर हम टेंशन से करेंगे सबका सम करेंगे तो ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि टेंशन इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स की वजह से पूरे सिस्टम में नेट पावर की वैल्यू हमेशा क्या होती है जीरो होती है, है ना, कि भाई जो आउटपुट इज द एक्चुअली नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने इस तरह की मशीन डिजाइन की है ना, एटपुट मशीन हम इसलिए बोलते हैं कि एटपुट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिजाइन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर वेरीफाइंग द लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स को वेरीफाई करने की मशीन यूज होती है, यहाँ पर आएगा सबका समझिएगा, और पता है इससे टी कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ से कंस्ट्रेंट रिलेशन दिया ए प्लस ए टू बाई टू प्लस आपका हो जाएगा ए थ्री बाई फोर, है ना, और अगला अगर आप लिखोगे तो ए फोर बाई एट हो जाता, अब तो इनफाइनाइट तक इसका सम क्या हो जाएगा जीरो, थ्री कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब आपने थ्री इक्वेशन यहाँ पे लिख ले और ये कंस्ट्रेंट रिलेशन, यहाँ पे थोड़ा सा हम स्किल यूज करते हैं, हम क्या करते हैं ना कि इस सारे इक्वेशन को हम सॉल्व करें, तो वन इक्वेशन को तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है इस पूरे को आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं,
और जो थर्ड इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1/2, अगले को आप 1/8 से कर देते हो, तो इसकी जरूरत नहीं, आप तीन लो, इसको आप ऐसे छोड़ दो, इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करो, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन ऐसी हो जाएगी कि भाई फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज हमने छोड़ दिया कि भाई टी माइनस एम जी स्क्वायर टू एम ए वन आ गया। सेकेंड इक्वेशन को आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये 2/4 आ गया, यहाँ पे एम जी बाई टू आ गया। जस्ट एक सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल 2/2 आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा टी बाई 16 माइनस आपका ये हो जाएगा एम जी बाई 4 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया एम ए 3/4। ऐसा इन्फाइनाइट तक होगा और ऐसा करने के बाद इस सारे इक्वेशन को आप ऐड कर, इस सारे इक्वेशन को हम इन्फाइनाइट तक क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो जब हम इन्फाइनाइट तक ऐड करेंगे इसको इस सारे इक्वेशन पे भाई आगे भी चीज कंटिन्यू होगी। तो यहाँ से आपको अगर टी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 1/4 + 1/6 आपको इन्फाइनाइट है ना। यहाँ पे एक माइनस साइन बाहर ले लो और एम जी कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 अप टू इनफाइनाइट। ये तो आपने एलएचएस साइड लिया ना, एलएचएस साइड को ऐड किया इक्वल टू, जब मैं एलएचएस साइड लूंगा तो इसको ऐड करूंगा तो इस पूरे से एम कॉमन आ गया, एम कॉमन होके यहाँ पे आ गया a1 + a2/2 + a3/4 अप टू इनफाइनाइट है ना। तो जस्ट आपने सारी इक्वेशंस को ऐड कर दिया इनफाइनाइट है ना। अब आप लोग जानते हो ऐसा करने से क्वेश्चन को सिंपलीफाई हो गया ना, सॉल्व कर सकते हैं उसे, क्योंकि अभी आपने प्रूव किया है कंस्ट्रेंट के हिसाब से कि इस सब का सम जीरो होगा। इस सब का अगर सम जीरो होगा तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा आरएचएस साइड वाला, कि अभी आपने कंस्ट्रेंट के हिसाब से बोला है कि सब का सम क्या होगा जीरो होगा, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और हम वहां पे जीपी का फॉर्मूला लगा लेंगे इनफाइनाइट जीपी का है ना। तो ये जो चीज रिड्यूस होके आ जाएगी टेंशन के साथ आ जाएगा फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 - कॉमन रूट माइनस एमजी के साथ आ जाएगा फर्स्ट टर्म 1 + 1 - कॉमन रूट इनफाइनाइट जीपी का सम कर दिया और राइट हैंड साइड पे तो जीरो आ गया क्योंकि आपको इस सबका सम तो जीरो है। इसलिए तो मैं ऐसा कर रहा था कि भाई इसको हाफ से मल्टीप्लाई करने का पर्पज ये था कि यहाँ पे ए वन आ जाए, यहाँ पे 2/4 आ जाए, यहाँ पे 3/4 आ जाए। अगर ऐसा आ जाएगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं इसको जीरो कर सकते। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी कि भाई इस स्ट्रिंग में टी की वैल्यू होगी कितनी। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे इसे तो टी की वैल्यू एम जी बाई टू है, ये आपका जो टी होगा वो एम जी बाई टू के इक्वल होगा। और अगर टी एम जी बाई टू आ गया तो ए वन की वैल्यू आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में अगर टी की वैल्यू मैं पुट कर दूं फर्स्ट इक्वेशन है आपकी आ जाएगी वैल्यू है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा इसलिए आपका टी की वैल्यू आपका एम जी बाई टू माइनस एम जी है ना। टी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे इसलिए आपका एम जी बाई टू माइनस एम जी इस इक्वल टू आपका आ जाएगा एम ए वन है ना। टी की वैल्यू एम जी बाई टू आ गई, इससे आप एम ए वन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो है ना। इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू आ जाएगी, इससे हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देखो, सॉरी 3/2 एम जी आ जाएगी है ना, 3/2 एम जी आ जाएगी ना, कितनी आ जाएगी देखो 3/2 एम जी टी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एम जी सही। तो टी की वैल्यू आप यहाँ पे 3 mg/2 है ना, यहाँ पे टी की वैल्यू आपने कितनी पुट कर दी 3 mg/2 यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू 3/2 तो ये इसका आंसर आ गया। इसका एक्सटेंशन जो होगा वो 3/2 के ऊपर, ऐसे हम A2 निकाल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर करके A3 निकाल सकते हैं, किसी का भी एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निक्स यूज की, जस्ट मैंने कोई नई चीज पर यूज की, जो हम जानते हैं वही यूज किया मैंने।
नेट फोर्स इज इक्वल टू एम एल एंड कंस्टेंट इसको यूज करके हमने सॉल्व कर लिया तो ए वन की वैल्यू जी बाई टू आ जाएगी ये टॉप का जो एक्सेशन होगा वो कितना हो जाएगा उसके लिए आपका जी बाई टू हो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन तो ये आपका जी बाई टू आंसर आ जाएगा सही बोल रहा हूँ इसमें आंसर लग रहा है जी बाई टू बिल्कुल सही आंसर जी बाई टू आपका इसको बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये जस्ट हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था पुली कंस्ट्रेंट आज आपका जो मैंने शुरू में पोस्ट पर दिखाया था आज आपको पढ़ना है वेज कंस्ट्रेंट के बारे में वेज एंड रॉड कंस्ट्रेंट है ना तो ध्यान रखना कुछ कंस्ट्रेंट्स के ना जनरल रूल्स है यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं है ना यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स है इसके आप जनरल रूल लिख सकते कि भाई कोई भी कंस्ट्रेंट अगर होगा तो उसके बेसिक रूल्स क्या होंगे है ना जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रेंट हाँ कि हम जनरल रूल की बात इन जनरल क्या हो जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रेंट सर आप वेज की बात वेज कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं सबके लिए हाँ सबके लिए वेज वगैरह पूरी वगैरह सबके लिए मैं जनरलाइज कर रहा हूँ है ना जो भी चीजें वो सबके लिए वैलिड हो पहला रूल ये हो जाएगा जो कल हम बात कर रहे हैं अगर कहीं पे भी इंटरनल टेंशन है तो सारे के लिए पूरे सिस्टम में टी डॉट पी की वैल्यू जीरो या अगर इंटरनल नॉर्मल फोर्स है इंटरनल नॉर्मल फोर्स है तो इंटरनल नॉर्मल डॉट पी जीरो पूरे सिस्टम में इंटरनल टेंशन या इंटरनल नॉर्मल फोर्स उसकी वजह से पावर का सम क्या होता है जीरो पहला रूल तो ये जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि सिग्मा टी डॉट वी अभी तक हम टी डॉट वी यूज कर रहे थे इसको भी यूज कर सकते हैं कहीं पे अगर नॉर्मल फोर्स इंटरनल है तो सिग्मा एन डॉट वी की वैल्यू भी क्या होगी जीरो पूरे सिस्टम में सेकंड में ये होता है कि किसी भी स्प्रिंग या रॉड के अलोंग इसको वैसे देखते हैं इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इसको अगर मैं ऐसा लिखूं इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर connected by thread or rod by a thread string or rod कोई भी दो ऑब्जेक्ट है अगर किसी थ्रेड या स्प्रिंग या रॉड से कनेक्टेड है तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रेड के अलोंग सेम हो जाए एंड Component of velocity velocity along thread will be same हाँ मैं यहाँ पे थ्रेड वर्ड यूज कर रहा हूं अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग सेम हो जाएगा अगर रॉड से कनेक्टेड है तो रॉड के अलॉन्ग सेम हो तो जब भी कोई चीज किसी थ्रेड स्ट्रिंग या रॉड से कनेक्टेड होती है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट थ्रेड के अलोंग कभी से क्या होंगे सके आपके सेम है ना एज फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको कि भाई मैं अगर इस तरह से आपसे बोलूं आपको किसी केस में कि यहाँ पे कोई इस तरह से रॉड लगी हुई है हाँ और इस रॉड में एक इस तरह से बीड लगी हुई है इसको हम बोलते हैं बीड ये बीड इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है और इससे कोई स्ट्रिंग लगी हुई है और इससे आपने एक पुली लगा ली है ना पुली आपकी फिक्स है और एक इससे वेट हैंग कर रहा है तो ये कोई सिस्टम भाई एक रॉड थी रॉड के ऊपर बीट कोई स्लाइड कर सकती है और इससे कोई ब्लॉक आपने लगा लिया तो जैसे मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा ये किसी बी से नीचे जाएगी इसकी वेलोसिटी सपोज वी वन होगी तो ये जो चीज होगी ये अगर किसी स्टैंड में एंगल थीटा बना देगी तो ये आपकी जो चीज होगी किसी वी टू से राइट वर्ड जाएगी तो अगर मैं आपसे बोलूं वी वन और वी टू के बीच में क्या रिलेशन हो तो आप पहला रूल भी यूज कर सकते हो कि भाई टी डॉट वी का सम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अगर मैं टी डॉट वी का सम जीरो कर दूं उस टी डॉट वी का अगर हम सम जीरो कर दें तो जस्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सिग्मा टी डॉट वी का सम जीरो हो तो आपको तो इसमें टी तो ऐसा लगेगा और ये इसकी वेलोसिटी वी टू है
इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो जस्ट हम लिखेंगे t into v2 cos theta, t और v का डॉट प्रोडक्ट एक होगा, इसके लिए लिखेंगे सेम टेंशन, t यहां पर लग जाएगा और v1 नीचे है, यहां पे बीच में माइनस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा t v1 और इन दोनों का सम जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना इसके ऊपर ये पॉजिटिव पावर प्रोवाइड करेगा उतना इसके ऊपर नेगेटिव पावर होगा, तो नेट पावर पूरे सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन आ गया v1 और v2 में, हम बोल सकते हैं कि v1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, v2 cos theta, है ना, ये इसका कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया कि अगर एंगल वो थीटा है तो v1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, v2 cos theta। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को इस सिचुएशन से सोचूं, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट किसी थ्रेड से कनेक्टेड है ना, तो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड विल बी द सेम, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट ऑफ थ्रेड के अलोंग होंगे वो सेम होंगे, तो हम क्या करेंगे, v2 हॉरिजॉन्टल है ना, इसका मैं कंपोनेंट थ्रेड के अलोंग ले लूंगा, यहां से इसको मैं से रिजॉल्व कर लूंगा, अब t को हम भूल जाएंगे, t को उससे कोई मतलब नहीं, ये v2 है, v2 के इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो v2 cos theta हो जाएगा, मतलब थ्रेड के अलोंग इसकी वेलोसिटी v2 cos theta है ना, और थ्रेड के अलोंग इसकी वेलोसिटी v1, तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से भी v1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, v2 cos theta, क्योंकि अगर ये v1 v2 cos theta के इक्वल नहीं होगा तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी ना, समझो, इसकी वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी तब तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन लेंथ तो बढ़ सकती नहीं है क्योंकि आपने सारी थ्रेड स्प्रिंग या रॉड को क्या माना है, अनस्ट्रेचेबल, अगर आपने अनस्ट्रेचेबल एज्यूम किया है तो किसी भी थ्रेड रॉड के स्प्रिंग के अलावा वेलोसिटी के कंपोनेंट हमेशा क्या होते हैं, आपके से तो दोनों चीजें सेम है, चाहे तो आप इससे कर लो चाहे आप ये स्टेटमेंट यूज कर लो, अगर थ्रेड या स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग के अलावा वेलोसिटी के कंपोनेंट हमेशा क्या होंगे, आपके सेम होते हैं, आपका सेकंड होगा, तो सेकंड आपने इसमें से क्या किया, आपका सॉल्व किया, तो ये आपका होता है सेकंड रूल कंस्टेंट का, है ना, कि ये कंस्टेंट का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सेकंड रूल, ऐसे ही हम आ जाते हैं थर्ड रूल पे, है ना, थर्ड रूल मैथ में यूज है, उसका स्ट्रिंग से रिलेटेड नहीं है ना, थर्ड रूल ये होता है कि व्हेन टू रिजिड बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट, है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, व्हेन टू रिजिड बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट, two rigid bodies are in contact, अगर दो rigid body contact में होंगी, है ना, when two rigid body are in contact then, है ना, component of velocity right along their common component of velocity, along common normal, at point of contact are equal, common normal at point of contact are equal, ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बोला स्ट्रिंग के अलोंग सारी वेलोसिटी सेम होगी, वैसे भी सही है कि व्हेन टू रिजिड बॉडी आर इन कांटेक्ट देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, दोनों के जो कॉमन नॉर्मल होंगे उसके अलोंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे वो दोनों इक्वल है, इसको आप सिंपल ऐसा समझो, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, कॉमन नॉर्मल का मतलब होता है दो बॉडीज जब कॉन्टेक्ट में होंगी तो दोनों में कॉमन नॉर्मल जब हो, कॉमन नॉर्मल का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मैं अगर ऐसा बोलूँ आपसे कि हाँ इस तरह से हम सिंपल सोच सकते हैं पहले कि मैंने इस तरह से दो ब्लॉक को ले लिया, एक ये ब्लॉक है दूसरा ब्लॉक ये, तो क्वाइट ऑब्वियस सी चीज है, अगर ये वाला ब्लॉक v1 से मूव कर रहा है और ये ब्लॉक अगर v2 से मूव कर रहा है तो अगर ये कॉन्टेक्ट बना हुआ है तो v1 की वैल्यू v2 के इक्वल होगी, है ना, अगर v1 की v2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, मान लो v2 ज्यादा है v1 से तो कांटेक्ट रह ही नहीं सकता, कांटेक्ट यहां से हट जाएगा,
और वी वन की वैल्यू अगर वी टू ज्यादा है फिर तो ये कंप्रेस होंगे, तो रिजिड बॉडी में तो कंप्रेशन हो नहीं सकता। सिंपल सा बोलेंगे अगर ये वी वन से जा रहा है और वी टू जा रहा है तो वी वन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वी टू। उसी चीज को अगर मैं रूल के हिसाब से देखें, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कॉन्टेक्ट सर्फेस है, ये कॉन्टेक्ट सर्फेस है, दोनों के बीच में कॉमन नॉर्मल ये हो, जो भी कॉन्टेक्ट सर्फेस है उसके मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल में अगर मैं दो कॉन्टेक्ट पॉइंट ले लूं ऐसे है ना, तो आपको है ये अगर V2 से मूव कर रहा है तो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी V2 हो जाएगी, और अगर ये V1 से मूव कर रहा है तो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, V1। मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन नॉर्मल के अलावा कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, सेम। V1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, V2। अगर ऐसा नहीं होगा, V2 मान लो V1 से ज्यादा है फिर तो ये कॉन्टेक्ट हट जाएगा, और V1 अगर V2 से ज्यादा है फिर तो इसके ऊपर एक क्रैश कर जाएगी, तो शेप चेंज होगा, शेप चेंज तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि बॉडीज हमने क्या लिया है आपके नजर। तो कई जगह पे ये रूल भी हम यूज करते हैं, कांस्टेंट रिलेशन निकालने। तो जस्ट ये थ्री रूल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हां इसके बारे में और एलाबोरेट करते हैं, रिजिड बॉडी वाला, रिजिड बॉडी वाला भी और एलाबोरेट करते हैं। मतलब कंपोनेंट ही लिखा है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हाँ इस केस में कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, किसी केस में कंपोनेंट निकालना होता है, जैसे इस केस में तो कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है, है ना। कंपोनेंट फर्स्ट रूल में जो एन है वो नॉर्मल फोर्स है, एन इज द नॉर्मल फोर्स, ये जो कैपिटल एन है ना वो आपका नॉर्मल फोर्स। बट जैसे ये टी टेंशन है, तो अगर किसी सिस्टम में टेंशन इंटरनल फोर्स है तो टेंशन की वजह से जीरो होगा, किसी सिस्टम में अगर नॉर्मल इंटरनल फोर्स है है ना, तो नॉर्मल की वजह से टोटल पावर का सम क्या हो जाएगा कि आपका पूरे सिस्टम के लिए जीरो। तो इस केस में कंपोनेंट की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये कॉमन नॉर्मल के अलावा है ना, ये डायरेक्शन होती है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉमन, कॉमन टेंजेंट कॉमन। तो कॉमन नॉर्मल के अलावा अगर वेलोसिटी तो कंपोनेंट की जरूरत नहीं, अदरवाइज कंपोनेंट लेना पड़ता। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये थ्री रूल्स होते हैं, जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रेंट एंड सीक्वेंस। कोई भी कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा इस थ्री रूल से रूल्स होगा, वही अप्रोच है। इसको मैं अभी और एलाबोरेट करता हूं क्योंकि आज के लेक्चर में मेन वही होगा, वेज कंस्ट्रेंट की हम बात है ना, कि आज के लेक्चर में हम ज्यादातर किसकी बात करेंगे, वेज कंस्ट्रेंट। तो हम आ जाते हैं वेज कंस्ट्रेंट के ऊपर। तो देखो वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि जो मैंने शुरू में सिस्टम एक बनाया था है ना, उसी को हम बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। हम बात कर रहे हैं आपके वेज कंस्ट्रेंट, वी कैन टॉक अबाउट द वेज कंस्ट्रेंट। देखो वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि आपका इस तरह से कोई वेज हो, इस तरह का जो ट्रायंगुलर पीस होता है इसी को हम क्या होता है वेज, ये कोई वेज है, ये किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज ए वेज। शुरू में पोस्टर दिखा रहा था उसके ऊपर एक इस तरह से लगा होता है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं रॉड। ये जो चीज होती है दिस इज नोन एज ए रॉड, और रॉड के साइड में सपोर्ट होता है। स्टार्टिंग पोस्टर में ये चीज जो फिगर मैंने बनाया ये चीज तो थी, ये आपका वेज है, वेज के ऊपर आपने एक रॉड रख दिया है ना, और रॉड के साइड में सपोर्ट लगा हुआ है, ये रॉड ऊपर नीचे खाली मूव कर सकते है ना, साइड वाइज नहीं जा सकते, ये सपोर्ट लगाने से ये होगा कि इसके बीच में ऊपर नीचे मूव। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा, अगर ये थीटा एंगल तो ये रॉड नीचे की तरफ जाएगी विद सम वेलोसिटी वी वन, रॉड नीचे जाएगी विद वेलोसिटी वी वन, और जैसे रॉड वी वाई से नीचे जाएगी ये वेज लेफ्टवर्ड मूव करेगा ना, पक्की बात है। अगर ये चीज नीचे जाएगी तो इसके ऊपर नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल उसको इधर पुश कर देगा, तो ये पूरा का पूरा जो चीज है ये वी एक्स से लेफ्टवर्ड है। तो आपको रिलेशन निकालना होता है कि वी वाई और वी एक्स में क्या लेंगे, आपको पर्पज ये कि किस रॉड ऊपर नीचे जा रही है वी वाई से, तो जब ये वी वाई से नीचे जाएगी तो ये नीचे जाता जाएगा सर, इसका स्ट्रक्चर कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा जो डॉटर लाइन बनाई, रॉड यहाँ से यहाँ आ गई तो वेज आगे खिसक जाएगा,
अगर ये वी वाई से जा रहा है तो ये वी एक्स से जाएगा, आपको वी वाई और वी एक्स में रिलेशन का अगर ये एंगल थीटा है। तो इसके लिए मैं जस्ट थर्ड स्टेटमेंट यूज करूँ कि भाई रॉड भी एक रिजिड बॉडी है, वेज भी एक रिजिड बॉडी है। मैं इस डॉटेड को यहाँ से लगा देता हूँ जिससे ये कंफ्यूज कर, भाई रॉड भी एक रिजिड बॉडी है, वेज भी एक रिजिड बॉडी। तो अभी तो आपने पढ़ा कि कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल मतलब ये जो सरफेस होगा ये तो कॉन्वेक्स सरफेस है ना, ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना, कॉन्वेक्स सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता है इसी को हम कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। ये जो लाइन होगी इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नॉर्मल, कि जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है। अब इस कॉमन नॉर्मल पे आप दो कॉन्टेक्ट पॉइंट ले, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट मैंने ये ले लिया जो कि रॉड के अंदर है, और यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट पॉइंट मैंने ले लिया बी जो कि वेज के अंदर। तो आपको पता है अगर पूरा का पूरा रॉड वी वाई से नीचे जा रहा है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट भी वी वाई से नीचे जाएगा, ये वेलोसिटी तो इसकी वी वाई हो जाएगी। अगर ये वेज वी एक्स से लटपट जा रहा है तो बी किस तरफ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो ए डाउनवर्ड जा रहा है, बी लटपट जा रहा है, लेकिन कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग इसके कंपोनेंट क्या होंगे, सेम। अगर बीच में कॉन्टैक्ट बना हुआ है, अगर ये सेम नहीं होगा तो बीच में सबमिशन आ जाएगा। तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होने चाहिए, आपके सेम दोनों इक्वल होने चाहिए, वही स्टेटमेंट बोल रहा है। आप कर लोगे कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आपको पता है यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट आपने बी लिया था ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब आप वी एक्स एंड वी वाई को इस लाइन के अलावा रिजॉल्व करो, तो आपको पता है वी वाई के इसके अलावा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वी वाई का कंपोनेंट आ जाएगा सके आपका वी वाई कॉस थीटा, और वी एक्स के इसके अलावा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वैसे vy डाउनवर्ड है, vx अपवर्ड है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। तो vy को मैंने कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग रिजॉल्व किया, vx को कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग रिजॉल्व किया, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ये दोनों चीजें सेम होंगे तभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट बना होगा, अदरवाइज दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, सेपरेशन। जस्ट हम बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग जो vy cos थीटा है इक्वल हो जाएगा वी एक्स साइन थीटा, तो कंस्टेंट रिलेशन आ गया, मतलब वी वाई की जो वैल्यू होगी ये वी एक्स टेन थीटा के इक्वल, हां कि अगर वी एक्स आपको पता है और ये एंगल पता है तो वी वाई अपने आप निकाल लो, ये इसका कंस्टेंट रिलेशन होगा कि वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका वी एक्स साइन। इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेशन का रिलेशन आ जाएगा, यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं यहाँ से dvy वी वाई बाई डी टी आ जाएगा, और चूंकि ये थीटा तो कांस्टेंट है यहाँ पर dvx वी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, डी वी वाई बाई डी टी जो होगा वो ए वाई हो जाएगा, और dvx वी एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन का कंस्टेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स। भाई पहले हम वेलोसिटी का निकालते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हम किसका निकाल लेंगे, एक्सप्रेशन का। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे समझा, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट कनेक्टेड बॉडीज में हमेशा क्या होंगे, सेम। तो इसी चीज को हम बोलते हैं वेज स्पेस, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज ए कॉमन नॉर्मल, मतलब दोनों बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल होगा, जैसे किस किस पर वो चीज उसके सेंस को नहीं बनती है, जैसे मैंने बोला दो स्फीयर कॉन्टेक्ट में ऐसे, तो यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट बन रहा है, तो अगर मैं इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसको हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, दोनों के ऊपर कॉमन टेंजेंट है, इसी कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन आती है उसी को हम कॉमन नॉर्मल, तो टेंजेंट के ऊपर कॉमन नॉर्मल इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नॉर्मल। तो जब भी कोई दो चीज कॉन्टेक्ट में होती है ये चीज होती है कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल, ये फिजिक्स में बहुत यूज हो, कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल है ना, या कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन लॉ। तो जस्ट आपको ध्यान रखना है कि इसी जनरल रूल ऑफ कांस्टेंट भी या तो हम इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे या इसको यूज, और कोई एक सिचुएशन एक से ज्यादा दो रूल से भी आ सकती है ना, जैसे हो सकता है कि ये वाली चीज इससे भी आ जाए, हल्की इससे जो होती है इससे ज्यादा आसान,
जनरल रूल है किसी भी केस में कंस्टेंट को डिसेंड, तो इसी को हम बोलते हैं बैच कंस्टेंट। हाँ, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं होगा ना बेटा, आप देखो ये थीटा तो वेज का एंगल है ना, थीटा का तो कांस्टेंट है, ये टेन थीटा कांस्टेंट है ना, जैसे वेज का एंगल अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री थोड़ी चेंज है, कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता ना। इसी केस में अगर थीटा वेरिएबल होता तो थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ वेलोसिटी निकाल रहा हूँ फिर एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, सीधे मैं नहीं बोल रहा ऐसा, किसी केस में थीटा वेरिएबल हो भी सकता है, इस केस में नहीं, इसमें थीटा क्या है इसलिए आपका कांस्टेंट। हाँ, नॉर्मल टू कांटेक्ट बोल सकते हैं, जो भी कांटेक्ट सरफेस है उसके नॉर्मल, कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल को हम बोलते हैं कॉमन नॉर्मल, है ना, कि कांटेक्ट सरफेस का जो नॉर्मल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन, दोनों सरफेस को कॉमन नॉर्मल, ये थ्री, ये तो हो गया वेज कांस्टेंट। एक यहाँ पे हम रॉड कंस्ट्रेंट भी, सर कॉमन टेंजेंट क्या बताया आपने, दोनों पे कॉमन टेंजेंट है उसका यूज नहीं है यहाँ पे, जैसे ये कोई कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, अगर मैं एक टच करते हुए लाइन ले जाऊं जैसे कौन कॉमन टेंजेंट है, दोनों के ऊपर टेंजेंट है कॉमन, इस पर भी टेंजेंट है, इस पर भी टेंजेंट है, कॉमन मतलब दोनों पे टेंजेंट, और इसी कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर में कॉमन नॉर्मल, तो आपको कॉमन नॉर्मल से काम, कॉमन टेंजेंट का ये भी यूज होगा कॉमन टेंजेंट, जब भी कोई दो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में होती है तो एक कॉमन टेंजेंट होता है एक कॉमन नॉर्मल, यहाँ पे हम कॉमन नॉर्मल यूज, जैसे ये वेज वेज कंस्ट्रेंट है ऐसे हम यहाँ पे यूज करते हैं एक रॉड कंस्ट्रेंट, हियर द रॉड कंस्ट्रेंट, देखो रॉड कंस्ट्रेंट सिंपल से ऐसा होता है ये कोई वर्टिकल सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे एक रॉड ऐसा रखा हुआ, यहाँ पे क्या रखा हुआ जैसे कि आपके कोई इस तरह से हाँ, और ये एंगल थीटा है, तो जैसे हम सिस्टम को रिलीज करेंगे ना ये वाला जो कांटेक्ट पॉइंट होगा ये राइट पर जाएगा किसी वी एक्स से, और ये वाला जो रॉड का पॉइंट होगा ये वी वाई से डाउन पर जाएगा, ये वी एक्स है और ये वी वाई से नीचे जाएगा, तो आपको निकालना होता है वी एक्स एंड वी वाई में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वी एक्स एंड वी वाई, वी एक्स एंड वी वाई में क्या रिलेशन है, तो हम निकाल सकते हैं, देखो एक तो तरीका है सिंपल डिफरेंशिएट, मैं ऐसा अज्यूम कर लूं किसी इंस्टेंट में ये लेंथ एक्स है और किसी इंस्टेंट में ये जो चीज है ये वाई है, तो रॉड का लेंथ मैं ले सकता हूँ कितना होगा, अगर किसी इंस्टेंट में ये एक्स है और ये वाई है तो रॉड का लेंथ हम एल लिख सकते हैं, यहां से वी कैन राइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जैसे रॉड स्लिप करेगा एक्स बढ़ेगा वाई कम होगा, लेकिन एल की वैल्यू क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी ना, आपको तो ऐसा लिखने के बाद डिफरेंशिएट तो हम करते हैं इस चीज को डिफरेंशिएट कर दो, इस पूरे चीज को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो जैसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे यहां पर आ जाएगा टू डीएल टू एल इंटू डीएल बाई डी, यहां पर आ जाएगा टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी, प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा टू वाई इंटू डी वाई बाई डी, चेन रूल यूज कर रहे हैं, वे किसी स्टैंड में अगर ये एक्स और ये वाई है तो एल की वैल्यू ये हो जाएगी पाइथागोरस से, एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल है लेकिन एल कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर दिया, अब आपको क्या है ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया क्योंकि एल तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, यहाँ पे आ गया टू एक्स और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी वी एक्स, एक्स चेंज हो रहा है उससे राइट वर्ड तो जा रहा है, और यहाँ पे आ गया टू वी वाई टू वाई, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी वाई, माइनस के लिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब हम राइट वर्ड जा रहे हैं तो एक्स बढ़ रहा है तो उसका रेट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो वाई कम होगा उसका रेट क्या हो जाएगा निगेटिव, यहाँ से रिलेशन आ गया जो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वी एक्स इंटू एक्स वाई वाई, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी वी एक्स इंटू एक्स वाई वन, और एक्स वाई वाई कितना होगा हम जानते हैं, अगर एंगल थीटा है
तो बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा हो जाएगा, यहां से कंस्ट्रेंट रिलेशन लिया vy इज इक्वल टू हो जाएगा vx cos, इस केस में vy की वैल्यू किसके हो जाएगी vx cos। तो इससे मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन यूज किया, vy वेरिएबल है, x वेरिएबल है, l कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करके vy इज इक्वल टू क्या आ गया vx cos। लेकिन अगर आप वो सेकंड स्टेटमेंट यूज करो तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में इसने ये बोला था कि वेलोसिटी के कंपोनेंट रॉड के अलोंग कौन से सेम होंगे ना, रॉड थ्रेड या स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होंगे। तो अगर मैं ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल जो होगा ये 90 थीटा हो जाएगा, तो वी वाई का इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा है ना, ये आपको हो जाएगा वी वाई साइन थीटा। वी को रिजॉल्व करेंगे अगर रॉड के अलोंग तो वी वाई साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही रॉड के अलोंग हम वी एक्स को रिजॉल्व कर देते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वी एक्स का इसके अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा वी एक्स कॉस थीटा। और आप पता है रॉड अगर रिजिड है तो इसके अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होंगे, तो हम इस वेलोसिटी को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वी कैन सिंपली राइट वी वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एक्स कॉस थीटा। बात एक ही है, या तो आप ऐसे कर लो या रॉड के अलोंग वेलोसिटी को इक्वेट कर लो। यहां से भी जब सॉल्व करेंगे तो vy की वैल्यू क्या आ जाएगी vx cos, ये कंस्टेंट रिलेशन है। तो ये कंस्टेंट रिलेशन होते हैं, तो ये इसकी वेलोसिटी अगर vy है इसकी vx है, तो vy इज इक्वल टू vx tan थीटा होता है, इसको हम बेस्ट कंस्टेंट मानते हैं। अगर रॉड की एक एंड स्लिप कर रहा है vx से एक एंड vy से और ये किसके स्टैंड का एंगल थीटा है, तो vy इज इक्वल टू vx cos थीटा, इसको हम रॉड कंस्टेंट। तो ये इसके मेथड्स, तो वही जनरल रूल्स जो है वो तीन चार रूल्स के ऊपर ही सारे कुछ बेस्ड। vy cos 90 minus theta, vy cos 90 minus theta इसका कंपोनेंट हो जाएगा ना, और cos 90 minus theta sin theta हो जाता है, जहां से एंगल बनता है वहां पे cos आता है ना, ऐसे vy cos 90 minus theta हो जाएगा, उसी को sin theta जैसे vx cos theta था, vy cos 90 minus theta हो जाएगा sin theta। इसी को हम बोलते हैं रॉड कंस्ट्रेंट। तो इसके ऊपर कई न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज होता है, जैसे बैच और क्वेश्चन होंगे तो सीधे हम इसको यूज करेंगे, इसको ये एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन यूज हो जाएगा, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं वेज एंड रॉड कंस्ट्रक्ट। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप प्रोसेस ट्राई करो। You can go for this question. रॉड को ऊपर नीचे धक्का दे रहे हैं, नीचे है ना, किस तरह से रॉड को फोर्स से धक्का दे रहे हैं। Force exerted on the rod by wedge, मतलब दोनों के बीच में नॉर्मल निकालना है, दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा वो निकालना।
चेक करता हूँ एक बार कौन सा आंसर हो गया आपके। देखता हूँ मैं कौन से आंसर आपके सही आ रहे हैं, लेट मी चेक। वाणी योर आंसर इज करेक्ट, अनिरुद्ध योर आंसर इज करेक्ट, वाणी अनिरुद्ध योर आंसर इज मनस्वी योर आंसर इज करेक्ट, आयुष योर आंसर इज करेक्ट, सही है। इस तरह क्वेश्चन होता है ना, गलत भी करोगे तो आंसर एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा, इसलिए ये खास बात होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उसके अगर आप थोड़ा भी रॉन्ग अप्रोच यूज करोगे कोई ना कोई आंसर जरूर आ जाएगा, फर्स्ट प्राइस सोचते हैं आंसर आ गया उनका सही, बाद में मिस्टेक्स कर। हाँ सुपर्णा योर आंसर इज करेक्ट, सही बता रहे आप, सुपर्णा का आंसर सही है। हाँ ऋषि ये आंसर नहीं है बेटा जो आपने भेजा है, 135/2 नहीं, वही तो मैंने बोला ना इससे थोड़ी भी गलत अप्रोच यूज करोगे ना आंसर जरूर आ जाएगा, है ना, तो थोड़ा सा केयरफुली करना है। आई एक्सप्लेन करता हूँ, आई जस्ट एक्सप्लेन। इसका जो ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट, इसमें जो 200 न्यूटन है वो सही होगा सर, हाँ इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, मैग्नेट आंसर चेक भी कर लेता हूँ।
मुझे लगता है कि बी ऑप्शन इसमें जो है वो सही है, 200 न्यूटन है ना, कैसे सही है? विल जस्ट एक्सप्लेन कि 200 न्यूटन जो है वो करेक्ट आंसर है ना, कुछ और भी आंसर आए हैं चेक कर लेते हैं। हाँ पीयूष 200 आ गया, आदित्य जोशी सही है आपका आंसर, भव्य अब आपका आंसर सही आ गया, बी ऑप्शन सही है ना, बी जो है वो आपका 200 न्यूटन सही है, उत्कर्ष गुप्ता सही है आपका आंसर, लेकिन 200 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ना देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जाना मैं कई बार फ्रीली नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्सेस को पुश किया और पुश हम किससे कर रहे हैं, नहीं से एवाई दिया हुआ है, एवाई दिया है तो एक्स अपने आप आ जाएगा, कि अभी आपने कंस्ट्रेंट रिलेशंस का पढ़ा है कि एवाई इज इक्वल टू होता है एक्स टेन थीटा, एवाई 9 दिया हुआ है, एक्स मुझे निकालना है ना, 10 37 हो जाएगा, 10 37 इज द 3/2, तो मतलब एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो 12 मीटर पर सेकंड है ना, एक्स आपका 12 है ना। अब देखो इस लॉट का काम खत्म हो गया, अब यही को निकालना है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि इसको राइटवर्ड कौन सा फोर्स एक्सलेट करता है, तो आप देखो इसका वेट तो एक्सलेट कर नहीं सकता, इसको इसका मास 100 न्यूटन आ जाएगा, इसका यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स एन डैश भी आ जाएगा, तो इसको एक्सलेट करने वाला जो फोर्स होगा ना ये नॉर्मली तो होगा बीच में, जितना ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा उतना ही ये भी इसके ऊपर नॉर्मल लगा, तो आपने बोला इस वेज के ऊपर नॉर्मल कुछ एन लग रहा है और एन का कंपोनेंट इसको राइटवर्ड ले जाएगा, क्योंकि बाकी सारे फोर्स तो वर्टिकल है, वर्टिकल को हैंडल से कोई मतलब नहीं, हम बोलेंगे अगर ये 37 है यहाँ पे ये वाला एंगल 37 डिग्री तो एन का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो एन कॉस 37, ये कंपोनेंट जो होगा ये आपका हो जाएगा एन साइन 37, इसको एक्सलेट करने वाला फोर्स एन साइन 37 हम लगा देंगे यहाँ पे, भाई नेट फोर्स इक्वल टू एम होता है, एन साइन 37 डिग्री की जो वैल्यू होगी ये मास इंटू एक्सलेशन हो जाएगी, मास इसका कम था और एक्सलेशन आपने 120 देखो n sin 37 की वैल्यू 120 न्यूटन है, n नहीं है आपको निकालना है, इसमें n था तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 120 × 5/2, यहां से n की वैल्यू 200 n जो लगेगा वो कितना हो जाएगा इसकी आपका 200, वही फोर्स तो होगा इसमें नंबर लगाओ ये फोर्स का उस पर से लस्ट आपने इससे कंस्ट्रेंट यूज कर लिए ए वाई और एक्स में क्या रिलेशन है, वही मैंने बोला थोड़ा भी अगर आप गलत अप्रोच यूज करोगे ना तो ऑप्शन मैच कर जाएगा है ना, तो नहीं करना हमने, कर सही आंसर था आयशा आपका आंसर सही था, क्या सर ये इक्वल टू 120 कैसे हुआ, क्या चीज एन साइन थीटा इक्वल टू 120 कैसे, मास इनटू एक्सलेशन, मास 10 है एक्सलेशन 12 है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन होता है ना, मास तो इस वेज का 10 दिया हुआ था और एक्सलेशन 12 दिया हुआ था, 120 आ जाएगा, उससे एन की वैल्यू हम निकालेंगे 200 न्यूटन, एन ही निकालना था, तो ऐसे ही करना है आपको, तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पुली लगी होगी, कई क्वेश्चन में इस तरह से वेज वाले क्वेश्चन होंगे, कई रॉड के क्वेश्चन, तो आपको अब सब चीजें आ गई हैं, जस्ट आप थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर, है ना, इस चीज को थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बोली वेज कोई भी कंस्टेंट है आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, इसका कितना भी मुश्किल देखने में क्यों ना लग रहा, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ये वाला, देखने में लग रहा है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप निकाल लोगे इसे, find the velocity of block B and pulley P1 and P2. P1 P2 भी move कर रहे होंगे तो उसकी velocity निकालिए. तीनों आंसर एक साथ भेजना बेटा. Block B कितना होगा, P1 कितना होगा, P2 कितना होगा. देखो फिर मैं तो आंसर में जंगल हो जाता हूँ.
ए की वेलोसिटी 2 है, डी की 3 है और सी की 4 है, डायरेक्शन भी दिया है। सर P2 कौन सा वाला है? हाँ सर P2 कौन सा है? P2 नीचे वाला है और P1 ऊपर वाला है। विकास उसके आगे लिखा हुआ है P1 की। सर नहीं सर, दोनों के सामने P1 लिखा था ना। अच्छा अच्छा, दोनों के सामने P1 लिखा हुआ था, तो P1 ऊपर वाला है, P2 नीचे वाला। अच्छा, दोनों में P1 लिखा हुआ है, ऊपर P1 नीचे P2। क्वेश्चन नोट करते हैं। ऊपर वाला P1 है, नीचे वाला मैं कुछ चेक द आंसर, कई लोग आंसर भेज रहे हैं, तो आई चेक द आंसर। बहुत सारे आंसर आ गए। रमेश सही आंसर है आपका, मैं शुरू से चेक करता हूं। रमेश, योर आंसर इज एब्सोल्युटली ऑल राइट फॉर ऑल पॉइंट। साक्षी, आपका आंसर सही है जो आपने भेजा है। भव्य, आपका आंसर सही है। हाँ अनिरुद्ध, आपने जो पार्ट भेजा था उसका आंसर सही है। ध्रुव पाहुजा, सही आंसर है आपका।
आरुषि सही है आपका आंसर, आईसी आपके तीनों आंसर सही है, सही अदिति जोशी आपके सब आंसर सही है, अब सही आ गया, पहले गलत भेजा था ना, आप सही आ गए, ठीक है ना, काफी लोगों के सही आंसर आ गए हैं, तो आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन है ना, काफी लोगों के सही आंसर, ठीक है ना भाई, मैंने बोला कि ऐसे स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता, इससे अगर नहीं पता वैसे पैसे नहीं पूरे के चक्कर में पता है ना, तो ये जस्ट एक मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे कोई आईडिया नहीं आऊंगा, बच्चे इसके चक्कर में फंस जाए, इसके चक्कर में नहीं फंसना, जितना मैं बता दिया वो काफी है ना, अदरवाइज तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, सबको नहीं करना है ना, तो सिंपल सा अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हो मतलब आपको ही आता है सब चीजें, सही है, सही आंसर, सही आंसर है लक्ष्य आपका, ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, देखो यही तो था इसने दिया हुआ था कि भाई ए ब्लॉक जो है ये है ना, यहाँ पे आपका ए ब्लॉक है, टू से जा रहा है ये थ्री से ऊपर, और ये फोर से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये वाला भी फोर से ऊपर जा रहा है, तो मुझे निकालना है बी की वेलोसिटी क्या होगी, टेंशन होगा यूज कर लूंगा, मैं लिखूंगा सिग्मा ई डॉट बी की वैल्यू जीरो होगी, तो ये टेंशन टी है तो ये भी टी होगा, ये टूटी हो जाएगा तो ये भी टूटी हो जाएगा, ये टूटी टूटी है तो ये फोर्टी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, तो आपका इस तरह से फोर्टी हो जाएगा, इसके बाद सारे ब्लॉक को मैं देखूंगा, सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ ब्लॉक बी से, इसकी भी मैंने ऊपर रेज्यूम कर ली है, तो इसमें जब मैं ये चीज अप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा टीवी टी और बी सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो जाएंगे, सी के लिए लिखेंगे तो प्लस टी इंटू फोर हो गए, है ना, डी के लिए लिखेंगे तो प्लस टू टी इंटू क्या हो गया सके आपका थ्री आ गया, टू टी इंटू कितना हो गया सके आपका थ्री आ गया, ए के लिए लिखेंगे फोर्टी ऊपर टू नीचे माइनस फोर्टी इंटू आपका और सबका सम जीरो हो जाएगा, है ना, सबका सम क्या हो जाएगा इसलिए आपका जीरो हो जाएगा, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो बी की वैल्यू माइनस टू आ जाएगा, अब माइनस का मतलब मैंने गलत अज्यूम किया था, एक्चुअली में ये नीचे जाएगा डाउन, माइनस का मतलब हो गया किस तरफ जाएगा टू मीटर पर सेकेंड से नीचे, अगर इन सबकी वेलोसिटी ये है तो पक्की इसकी वेलोसिटी इतनी है तो मेरा तो सीधे आ गया, अब मैं बोल रहा हूँ इस पी टू की वेलोसिटी क्या होगी, तो कल अपने वेलोसिटी ऑफ पुली का एक फॉर्मूला पढ़ा, मैं किसी भी पुली की अगर वेलोसिटी आपको निकालनी है ये आपको होता है वी वन प्लस वी टू बाई, इस तरह से अगर कोई पुली ऐसे जा रहा है इसी वीपी से और इससे दो ब्लॉक अटैच है, इसकी वेलोसिटी भी मैंने ऊपर ही अज्यूम करी, ये V1 है और अगर ये V2 है तो कल आपने पढ़ा था, तो जैसे मुझे velocity of P2 निकालना है, तो आप देखो जब V1 आप लोगे तो एक्चुअली में ऊपर नहीं नीचे जा रहा है ना, V1 की वैल्यू माइनस टू, ऊपर के हिसाब से आपने फॉर्मूला लिखा है, अगर नीचे आ रहा तो माइनस कर लो, प्लस V2, V2 फोर हो गया, velocity of P2 की जो वैल्यू आ जाएगी वन मीटर पर, और पॉजिटिव वाला मतलब अपवर्ड जाएगी, मतलब P2 पुली ऊपर जाएगी, है ना, ऐसे हम P1 निकाल लेते हैं, है ना, वेलोसिटी ऑफ P1 आप निकालो, P1 मैं निकालूंगा तो आप थोड़ा ध्यान दो कि वेलोसिटी ऑफ P1 ये आपका हो जाएगा अगेन V1 / V2, ये तो ऊपर है 3 हो जाएगा, प्लस ये पुली ऊपर जा रही है 1 से ना, तो P + 1 भाई, तो ब्लॉक है दूसरी पुली है, अभी आपने पुली को बोल दिया है कि 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा, ये थ्री है ऊपर, ये वन है ऊपर, थ्री प्लस वन बाई टू, वेलोसिटी ऑफ पी वन जो होगा वो आपका टू मीटर पर सेकंड, ये भी ऊपर, तो इस तरह से हम सारे सकते हैं, तो हर चीज के मोशन को निकाल सकते हैं अगर कुछ मोशन दिया हुआ है, दिस इज नोन एज अ कंस्ट्रेंट रिलेशन, तो अनुरोध आपका आंसर सही आया था अभी जो आपने भेजा है सही, तो इस तरह से आपको एनालाइज करना, तो सारी चीजें मोस्टली आपने सही बताया, ये आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर है, हर चीज की वेलोसिटी में आपके इवन मास्टर्स फुली की है ना, ये स्पेशल कंस्ट्रेंट को क्या करते हैं यूज, तो अभी तो देखो रिलेशन यूज करना है, कई बार क्या होता है इस कंस्ट्रेंट को हम यूज कर कंबाइन करते हैं नेट फोर्सेस इक्वल टू एम एस, कंस्ट्रेंट को आप इसे कंबाइन कर लोगे नेट फोर्सेस इक्वल टू एम एस,
एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करो, उसमें ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी जो भी अभी तक आपने पढ़ी। मैं क्वेश्चंस में आपको दे सकता हूँ, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था लेकिन बाद में हटा दिया था क्योंकि उस टाइम आप उतने ज्यादा अभी तैयार नहीं थे। अब मैं आज वो क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ Just solve this question. ए बी का मास एम है, सी का मास 5m है, बस यही है। जिस पैन के ऊपर रखा हुआ है तो मास ले सकते, उसको एकदम केयरफुली करना है, पूरे न्यूटन्स लॉ के कंसेप्ट इसी को। ठीक से समझ के इसको सॉल्व करना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सप्रेशन ऑफ द मोरल बोली मतलब सी का एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन ऑफ द मोरल बोली का मतलब आपको किसका एक्सप्रेशन निकालना है, सी का।
अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है, एकदम केयरफुली करना इसे और एकदम पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन का डिस्कशन सुनना। अभी किसी का भी आंसर सही नहीं है। आपका आंसर जी के टर्म्स में आएगा, अगर मास नहीं दिया हो तो जी के टर्म्स में आंसर छोड़ देते हैं। अभी तक किसी का भी सही नहीं है। हाँ, जो एक्सटेंशन सी का होगा वही एक्सटेंशन पुली का होगा, ये बात तो पक्की है। जो एक्सटेंशन सी का होगा वही एक्सटेंशन पुली का होगा, और सी का मास 5 m है, पी और बी का m और m, और जिस पैन का रखा हुआ वो लाइट है, उसका कोई मास नहीं, पक्की बात है। लोअर पुली का एक्सटेंशन का मतलब सी का। अभी किसी का आंसर करेक्ट मैच नहीं कर रहा मेरे आंसर से, मेरे से किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा ना, मेरे आंसर से किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। किसी का आंसर मैच नहीं किया मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है ना, तो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप चेक करना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही हो, कहाँ हो रही है आप चेक करना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। देखो क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप पहले अज्यूम कर लो कि जैसे हम सिस्टम को रिलीज करेंगे ये चीज किसी A1 से नीचे जाएगा सी, और जिस तरह सी नीचे जाएगा उसी से पुली नीचे जाएगी, आपको A1 में भी काम है। इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T है, TNT, फिर T भी निकालना है वो लिखता हूँ, और A और B के बीच का नॉर्मल फोर्स निकालना है, A और B के बीच के बीच का नॉर्मल फोर्स निकालना, तो बाद में निकालने के पहले तो एक्सप्रेशन निकालते हैं। ये A1 से नीचे जाएगा तो ये पूरी चीज किसी A2 से ऊपर जाएगी, तो आप पहले इक्वेशन लिख लो। तो C का मास जो है 5 mg है, इसका मास 5 mg हो जाएगा, वेट हो जाएगा, और ऊपर जो टेंशन लगेगी वो टूटी लग जाएगी, क्योंकि अगर ये टी है तो ये टूटी हो जाएगी, है ना। तो जब मैं इसकी न्यूटन्स, और इसमें आपको पता है टी ऊपर लग रहा है, और इन दोनों का कंबाइंड वेट जो है वो 2 mg है, हां, इस पूरे को मैंने एक सिस्टम ले लिया है, और जिस पैन पे रखा हुआ वो लाइट, तो मैं इसके लिए नेट फोर्स इक्वल टू एम लिखता हूं सी ब्लॉक के लिए,
तो सी लॉग के लिए इक्वेशन ये बन जाएगी ना कि नेट फोर्स हो जाएगा 5mg नीचे माइनस 2t ऊपर इज इक्वल टू 5m इनटू a1 फर्स्ट इक्वेशन आ गई 5mg नीचे 2t ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटरेक्शन ऐसे मैं ab के लिए इसको लिखता हूं कंबाइन के लिए ये आपको हो जाएगा t माइनस 2m इज इक्वल टू मास 2m इनटू a2 अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई ना कि आपके नंबर ऑफ अननोन्स 3 है a1 अननोन है a2 अननोन है t अननोन तो इक्वेशंस में थर्ड चाहिए तो थर्ड रिलेशन है तो कंस्टेंट होगा क्योंकि a1 a2 भी तो आपस में रिलेटेड होंगे तो उसके लिए हम कंस्टेंट रिलेशन लिखेंगे हम लिख देंगे t into a2 t ऊपर है a2 भी ऊपर है t और a2 एक ही डायरेक्शन में होगा तो t into a2 हो जाएगा प्लस 2t ऊपर है a1 नीचे है यहां माइनस हो जाएगा माइनस 2t into a1 इज इक्वल टू तो यहां से a1 a2 में रिलेशन आ गया कि a2 की वैल्यू इक्वल नहीं होगी a2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1 ये थर्ड इक्वेशन तो इन तीन इक्वेशन को आप सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा और आपने कहां मिस्टेक की थी उस भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी तो अगर आपने इसी इक्वेशन से आंसर ला रहे हो तब तो आपका आंसर सही है अगर कहीं इक्वेशन लिखने में गड़बड़ की है तो फिर आंसर भी गलत आ रहा है इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं आपने सी के लिए लिख दिया आपने ए भी कंबाइन करके लिख दिया और ए वन ए टू का कंस्टेंटेशन अभी तो आपने पढ़ा ए टी इसको टू ट्वाइस ऑफ ए वन है ना ए टू की वैल्यू किसके कूलम के जरिए आपके ट्वाइस ऑफ ए वन की तीनों को सॉल्व करेंगे तो तीनों को जब सॉल्व करेंगे ना तो ए वन की वैल्यू जो आएगी वो जी बाई 13 आप एक बार सॉल्व करके देखिए अगर ए वन जी बाई 13 है तो ए टू की वैल्यू जो होगी वो 2g/13 ये दोनों डबल लिखा है तो फर्स्ट आंसर तो ये और एक बार अगर ए वन आ गया तो ए वन को अगर मैं यहाँ पुट कर दू तो टेंशन आ जाएगा ए टू को यहाँ पुट कर दू टेंशन आ जाएगा तो जो टेंशन का आंसर आता है इस केस में है ना टी इक्वल टू इस केस में आपका आ रहा है 30mg/13 जब ए वन की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो जो टी आएगा वो आपका आ जाएगा 30mg/13 आप एक बार सॉल्व करके ए वन आ गया 30mg/13 इस सिस्टम में टेंशन आ गया अब एक चीज और पूछा हुआ है कि भाई ए और बी के बीच का नॉर्मल कितना है अब देखो जब कंबाइन लेंगे तब तो ए और बी के बीच का नॉर्मल निकालना हो जाएगा अगर ए और बी के बीच का आपको नॉर्मल निकालना है तो या तो आप ए को सिस्टम लोगे या बी को सिस्टम तो मुझे लगता है ए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बी इस फ्लोर के भी कॉन्टेक्ट में तो एक और फोर्स लेना पड़ेगा तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ए को सिस्टम ले लेते हैं अब जब हम ए को सिस्टम ले रहे हैं तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है बाकी कहाँ क्या फोर्स लग रहा है उसका मतलब नहीं है ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है तो ए पे अपना वेट होगा एम जी और इसके कॉन्टेक्ट के बीच का एक नॉर्मल है जो आपको निकालना है और अगर पूरा सिस्टम ए टू से ऊपर जा रहा है तो ए भी ए टू से ऊपर जा रहा है तो इसके लिए मैं यूज करूंगा नेट फोर्स इक्वल टू एम ए यहां से आ जाएगा एन माइनस एम इक्वल टू मास इनटू ए और ए टू हम जानते हैं ए टू की वैल्यू कितनी है 2g/13 यहाँ से एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी एम जी प्लस है ना 2mg/13 आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका हाँ यहाँ पर आएगा 2mg/13 है ना तो यहाँ से आपका एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 15mg/13 हमेशा इस तरह से दो इक्वेशन में आप फंस जाएंगे है ना तो एक इक्वेशन जो होगी वो कंस्ट्रेंट की होगी a1 a2 में रिलेशन है ओनली कंस्ट्रेंट यूज करके हम a1 a2 में रिलेशन निकाले फिर सॉल्व करके ये दोनों आंसर आ जाएंगे फिर a और b के बीच का नॉर्मल निकालना था तो सिर्फ एक और सिस्टम देंगे जिसको सिस्टम लेते हैं बाकी चीजों को हम भूल जाते हैं और उसको नेट फोर्स इक्वल टू भी निकाल के आ जाता है ये जस्ट आपको तो है ना ये जस्ट हमने इसमें कुछ चीजें सर सर अगर बी को सिस्टम लेते तो क्या फोर्सेस लगते उसमें बी को सिस्टम लेते तो फिर उससे हम सॉल्व नहीं कर पाते इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उसमें फ्लोर का भी नॉर्मल होता है वो भी अननोन हो जाता है तो फिर आपको एक और इक्वेशन इसको इस फ्रेम को सिस्टम लेके लिखनी पड़ेगी
जब आप बी को सिस्टम लेते तो इसका वेट हो जाता है, एक ए और बी के बीच का नॉर्मल एन हो जाता है नीचे, और एक इस कॉन्टेक्ट का नॉर्मल भी हो एन, है ना, तो इसलिए एन भी अननोन है एन डैश भी अननोन है, दो अननोन है तो एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ए को सिस्टम लेंगे तो एक ही अननोन है उसको निकाल सकते, तो जानबूझ के मतलब सिस्टम लेते हैं इससे हम सॉल्व, इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है इस फ्रेम को सिस्टम लेना, तो दो इक्वेशन आते फिर सॉल्व, उससे अच्छा आप एको सिस्टम प्लीज, जस्ट आपको थोड़ा सा आपके पास टाइम है, इस सब चीजों को रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स, ओके सर, स्टडी अबाउट द स्यूडो फोर्स, बस एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप थोड़ा ट्राई करना आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड, आई विल गिव द वन होमवर्क क्वेश्चन है ना, तो उसको आप थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लो उसको, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या करेगा सर, आई विल गिव वन होमवर्क क्वेश्चन, कहाँ गया होमवर्क, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका कई बार आंसर देने में मुश्किल होती है, हाँ ये वाला है ना, जस्ट इसको लिख लो, थोड़ा सा देख लो स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, रात ले लिया सर, बिल्कुल सही है ना, तो क्या निकालना है थोड़ा ध्यान रखना, स्फीयर की स्पीड बतानी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्फीयर, दैट इज ऑल फॉर टुडे, राइट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय, बाय बाय, बाय, बाय बाय, बाय. Mm-hmm.